इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज है चैप्टर 12 एनसीईआरटी की किताब से साइंस क्लास 10th हम सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन अ पैरेलल विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है और ये छुड़िया है। देन द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस वुड बी, यानी हीट के हीट जो सीरीज कॉम्बिनेशन में डेवलप हुई है और जो हीट पैरेलल कॉम्बिनेशन में डेवलप हुई है, इनका रेशियो हमें पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इस्तेमाल करेंगे, है ना। दो वायर हैं, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर्स हैं, तो यानी इसका मतलब ये हो गया रेजिस्टिविटी भी सेम, लेंथ भी सेम और डायमीटर सेम, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। मगर हम बाय जूल्स लॉ जानते हैं फॉर्मूला, बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें क्या पता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, यहाँ एक टाइम जो दिया हुआ है वो मैं भूल गया, टाइम तो है ही नहीं, तो टाइम की बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ये टाइम है और ये जब सीरीज में आएगा तो टाइम से टाइम कटे आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्या क्या सेम है वो लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वायर सेम है मतलब रेजिस्टिविटी सेम है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है क्योंकि डायमीटर सेम है और लेंथ सेम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से दो वायर हैं, इसका मतलब क्या है, पहले तो इनको सीरीज़ में लगाया गया, तो एक मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस आर है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी सेम, एरिया सेम, लेंथ सेम, तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो पहले उनको सीरीज़ में लगाया जाता है, तो कुछ इस तरीके से सीरीज़ में लगा होगा आर आर के साथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, जिसको मैं कह लेता हूँ सीरीज़ में जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको आर एस का नाम दिया है, और सीरीज़ में हमें पता है एज इट इज़, ऐड करके हम टोटल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो ये हमारा सीरीज़ का रेजिस्टेंस आ गया। और हमें क्या चाहिए, करंट। देखिए करंट की बात इसमें की नहीं गई है, और करंट्स जब इसमें करंट की बात नहीं की गई तो हमें इस करंट को हटाना पड़ेगा। कैसे, ओम्स लॉ के जरिए से हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, और I की वैल्यू I के साथ देखिए R जो है मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में जाएगा और यहाँ से मेरे पास I का फॉर्मूला आ जाएगा V अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को चेंज कर सकता हूँ, I की जगह पे V अपॉन R और यहाँ पे स्क्वायर है इंटू आर टी। ठीक है, देखिए दोनों पे स्क्वायर है, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ठीक है, देखिए यहाँ R जो है डिवाइड में दो है, मतलब ये है कि V स्क्वायर R स्क्वायर का मतलब होता है R इंटू R, और ये वाला R ऑलरेडी है मौजूद, और R से R कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो V अपॉन एक R नीचे बचा और इंटू T। तो ये है हीट का फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं ये देखूँगा कि मेरे पास रेजिस्टेंस जो टोटल आ चुका है, तो इसको जब इसके अंदर पुट करूँगा तो सीरीज़ के अंदर जो हीट डेवलप हो रही है वो मुझे पता करना है कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना तो आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है, पॉज करके भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीरीज़ में हम देखेंगे हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है इस फॉर्मूले के अतबार से, तो V अपॉन R, और यहाँ पे R जो इस्तेमाल होगा वो सीरीज़ वाला इस्तेमाल होगा। ठीक है, और हम इस आर एस को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं जो कि 2R के बराबर है इनटू T। ये हो गया हीट इन सीरीज। ठीक है, और अब मैं पैरेलल में निकालूंगा, तो पैरेलल में निकाल लेते हैं। जब इन दोनों वायर को पैरेलल में लगाया गया, ठीक है, हर चीज़ सेम है, तो R और R, तो इसमें R इक्विवेलेंट जो होगा, ठीक है, मैं इसको आर पी कह लेता हूँ, तो वन अपॉन आर, वन अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे R क्या होगा, वन प्लस वन इक्वल टू टू बाई आर। ठीक है, तो वन अपॉन आर पी इक्वल टू टू अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ से आर पी की वैल्यू हो जाएगी, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आर अपॉन टू, ये हो गए आर पी की वैल्यू।
ठीक है, मैं क्या करूँगा इस आर को इसके अंदर पुट करूँगा तो हीट इन पैरेलल मेरा आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी। तो वी स्क्वायर अपॉन आर पी की वैल्यू आ चुकी है आर अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, तो देखिए डिवाइड में डिवाइड के ऊपर है तो ऊपर चला जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, ये हो गया हमारा हीट पैरेलल में। हमें रेशियो पता करना था तो मैं क्या करूँगा हीट इन सीरीज़ को हीट इन पैरेलल से डिवाइड कर दूंगा। तो वी स्क्वायर अपॉन टू आर इंटू टी डिवाइड बाई पैरेलल में मेरा यह आ चुका है तो टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। देखिए टी से टी कट जाएगा, वी स्क्वायर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, ऊपर बचा वन अपॉन टू और नीचे बचा टू। तो ये टू इसके टू के साथ है तो वो जाएगा मल्टीप्लाई में तो वन अपॉन फोर हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेशियो आ जा रहा है वो आ रहा है 1:4 का। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज़रूरत है तो इसका जवाब हो जाएगा सी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, मैं आपको समझाऊंगा। मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।